मुकम्मल ये जगह है जहाँ से हमने जीप ली, 6 से 7 लोग बैठ सकते थे, 8,000 रुपये में आना जाना किया। दोस्तों ये हैं चिलगोजे के खोल। अब भैया खा तो सकते नहीं हैं, तो इसी से ही गुजारा कर लो। जी नाज़रीन, शदीद बम्पी रास्तों से गुजरते हुए आखिर हम ये ब्लू लेक की तरफ पहुँचे। अच्छा सुकून वाला नज़ारा है, बहुत साफ पानी। ये देखें पूरी लेक आपको ऐसे ही नज़र आएगी। जी नाज़रीन, ब्लू लेक की तरफ हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुकून और बहुत ही खामोश तबीयत की झील मालूम होती है, बहुत ही साफ़ सुथरी है। तो आप देख सकते हैं इसका पानी कितना साफ है, एक एक पत्थर नज़र आ रहा है इसका। और पीछे आप इसकी खूबसूरती देखें, मज़े के अच्छे खूबसूरत अल्लाह की नेचर को फील करना है अगर, और बम्पी रास्तों का अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आपको आना पड़ेगा। बाकी 12,000 फीट की बुलंदी पे हम इस वक्त हैं, बड़ा बैठना यहाँ अच्छा नहीं लगा। मनाए मेरी बेटी, क्या कैसा फील कर रही है बताओ, व्यूअर्स को कैसा लग रहा है? ड्रीम लग रहा है ना। ये हमारा ग्रुप है और टूर गाइड नवीद भाई हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया इन लोगों ने और बहुत बर्दाश्त किया। कैसा लग रहा है नवीद, जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ। बिल्कुल अच्छा अवेश भाई, सच्ची सच्ची बता ना। बिल्कुल सच्ची सच्ची, अवेश भाई की फैमिली बहुत अच्छी है, बच्चे भी कोऑपरेटिव हैं, बाकी हमारा टोटल जो पूरा होल ग्रुप है वो काफी अच्छा एंजॉयमेंट कर रहा है। सूरती ट्रैवल है जी जी, और बड़ा रीजनेबल और बड़ी अच्छी अकोमोडेशन हमें दी और बड़ा मजा आया इनके साथ। तो हम फिर आगे की बातें आगे जा के करते हैं। रास्ते का आइडिया करें दोस्त, आप लोग भाइयों और बहनों आने से पहले सोच लें, अगर जिगरा है तो आए वरना खुदा के वास्ते ना आए। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये हमारी थकन पे हंस रहे हैं। क्या कहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आप क्या फील कर रहे हैं लोगों के साथ, क्या आप एडवाइस करेंगे लोगों को? ठंड का अपना मजा है, खूबसूरत इलाका, बहुत खूबसूरत इलाका, इस जैसा खूबसूरत इलाका मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
मैं आपको एक छोटा सा घर दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ ये लोग रहते हैं, लेकिन बहुत ही सादा से अंदाज में इन लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है। देखें, एक हम लोग हैं जो थोड़ा पानी नहीं आता तो भैया हमारे परेशानी हमारी बढ़ जाती है, लेकिन एक ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनका जीना इनका सोना। ये देखें, अगर ये खुला हुआ होता तो मैं आपको यहाँ की सैर भी करवाता अंदर की, लेकिन एनीवेज तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है यार, कभी ज़िंदगी में सुकून चाहिए हो ना तो आना यहाँ पर। तेज़ रफ्तार दुनिया से दूर, पहाड़ों के बीच नलतर वैली।